हर 20,000 इंसानों में से एक इंसान बोना होता है, यानी इनका प्रतिशत बहुत कम, लगभग आबादी का 0.005 होता है। लेकिन चीन के सिचुआन प्रांत के दूरदराज इलाके में मौजूद गांव यांगसी की कहानी ही अलग है। इस गांव के लगभग 50% आबादी बोनी है। इस गांव में रहने वाले 80 में से 36 लोगों की लंबाई मात्र 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक है। इतनी अधिक संख्या में लोगों के बोने होने का कारण यह गांव बोनों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के बोने होने के पीछे क्या रहस्य है, इसका पता वैज्ञानिक पिछले 60 सालों में भी नहीं लगा पाए हैं। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उनकी खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी कई दशकों पहले ही खत्म हो चुकी थी, जब प्रांत को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद से कई स्थानीय लोगों अजीबोगरीब हालात से जूझ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर 5 से 7 साल के बच्चे हैं। इस उम्र के बाद इन बच्चों की लंबाई रुक जाती है। इसके अलावा वो कई और असमर्थताओं से जूझ रहे हैं। इलाके में बोनों को देखे जाने की खबरें 1911 से ही आती रही है। 1947 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने भी इस इलाके में सैकड़ों बोनों को देखने की बात कही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खतरनाक बीमारी का पता 1951 में चला, जब प्रशासन को पीड़ितों के अंग छोटे होने की शिकायत मिली। 1985 में जब जनगणना हुई तो गांव में ऐसे करीब 119 मामले सामने आए। समय के साथ ये रुकी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी भी आगे बढ़ती गई। इसके डर से लोगों ने गांव छोड़कर जाना शुरू कर दिया, ताकि बीमारी उनके बच्चों में ना आए। हालांकि 60 साल के बाद अब जाकर कुछ हालात सुधरे हैं। अब नई पीढ़ी में यह लक्षण बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य कद काठी के लोगों का गांव बोनों के गांव में तब्दील हो गया? यह रहस्य वैज्ञानिक 60 साल के बाद आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस गांव की पानी, मिट्टी, अनाज आदि का कई मर्तबा अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन वो इस स्थिति का कारण खोजने में नाकाम रहे हैं। 1997 में बीमारी की वजह बताते हुए गांव की जमीन में पारा होने की बात कही गई, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सका। वहीं कुछ लोगों को मानना है कि इसका कारण वो जहरीली गैस है जो जापान ने कई दशकों पहले चीन में छोड़ी थी। हालांकि यह एक तथ्य है कि जापान कभी भी चीन के इस इलाके में नहीं पहुंचा था। ऐसे ही समय समय पर तमाम दावे किए गए, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। अब गांव के कुछ लोग इसे बुरी ताकत या प्रभाव मानते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि खराब फेंगशुई के चलते हो रहा है ऐसा। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये सब अपने पूर्वजों को सही तरीके से दफन ना करने के चलते हो रहा है। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके और ऐसे ही अजीबोगरीब किस्से, ऐसे ही अजीबोगरीब जगह के बारे में आपको वाकिफ किया जा सके।